अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी रूटीन के बारे में। एक्चुअली मैं 3-4 दिनों से अपलोड नहीं कर पा रही अपने डाइट रूटीन, मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली बिजी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो डेली टिप्स ही शेयर कर लूँ, कि अगर मैं डेली बेसिस पर रूटीन शेयर नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट उनको टिप्स बताऊँ कि जो मैं डेली बेसिस पर करती हूँ। और ये टिप्स बहुत इफेक्टिव है, आप भी इन टिप्स को इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इससे आपको फ़र्क महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है कि आप जी 4 दिन यूज़ करें तो आप भारती से कतरीना कैफ बन जाएं, इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप अपनी डेली रूटीन के अंदर ये टिप्स ऐड कर लें, इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है ज़िंदगी में इसका। तो आप एक तो इसको ऐड कर लेंगे, एक तरफ से फ़ायदा है, दूसरी तरफ से आपकी फिजिक भी सही होगी, आपकी बॉडी भी अच्छी शेप में आएगी। तो चलिए चलते हैं टिप्स की तरफ। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। और मैं ट्राई करूंगी कि मैं डेली बेसिस पे अपनी रूटीन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकूं, लेकिन इन केस जब मैं नहीं भी कर पा रही किसी वजह, तो आपको पता हो कि डेली बेसिस के ऊपर क्या टिप्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। ओके जी, सबसे पहले तो नीम गर्म पानी के अंदर एक लेमन डाल के पीने की आदत डाल लें। सुबह निहार हूँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, फैट कटर है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। एक लेमन तो आपको डेली बेसिस पे लेना चाहिए, बहुत से डिजीज़ को जो है ये उसके साथ फाइट करता है। तो ये आपने अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि एक लेमन आप लाजमी नीम गर्म पानी में डाल के पिए। टिप नंबर 2 है डिटॉक्स। डिटॉक्स आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, इसके इतने फ़ायदे हैं, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ये फैट के लिए बहुत अच्छा है, आपका फैट कटर करता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, मुझे जो पर्सनल इसके साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो है कॉन्स्टिपेशन का। मैं चाइल्डहुड कॉन्स्टिपेशन बची हूँ, मुझे शुरू बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन का रहा है इशू, और मैंने जब से डिटॉक्स लेना शुरू किया तो मैंने ये फील किया कि मेरी कॉन्स्टिपेशन सही हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पर्सनली ये एक्सपीरियंस है डिटॉक्स से कि इसे मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा किया है और इसने मेरी कॉन्स्टिपेशन खत्म कर दी है, क्योंकि जब हमें खाना हजम नहीं होता सही से तभी हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, और ये आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप डिटॉक्स को लाजमी अपनी लाइफ में शामिल करें, किसी भी चीज़ का बना लें, फलों का बना लें और वेजिटेबल्स का बना लें, लेकिन जिंजर और कोशिश करें जिंजर मिंट और क्यूकम्बर का ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैट कटर है और इससे बहुत जल्दी जो है वो आपका वेट लूज़ होता है और ये वेट कंट्रोल भी रखता है। ओके जी, नंबर 3 जो है ये है चिया सीड्स, जिसे हम तुफ मलंगा भी कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी वेट को लूज़ करती है, वेट कंट्रोल करती है, वज़न बढ़ने नहीं देती। आप कोशिश करें, अच्छा मैं इसको पीने की रूटीन है कि मैं एक दिन सुबह लेमन पानी लेती हूँ, एक दिन मैं नीम गर्म पानी के अंदर ये तुफ मलंगा डाल के लेती हूँ। तो आप इसको लेने की कोशिश करें डेली, लेकिन डेली थोड़ा मुश्किल होता है लेने के लिए, तो लेना निहार मुँह है। तो आप एक दिन जो है नीम गर्म पानी के अंदर डाल के लेमन ले लें, और एक दिन जो है नीम गर्म पानी के अंदर एक चम्मच जो है तुफ मलंगा ले लें। आप एक चम्मच भिगोएंगे वो इतनी ज़्यादा फूल जाएगी कि वो 2 से 3 चम्मच बन जाएगी, तो एक चम्मच से ज़्यादा आपने नहीं भिगोने, बल्कि आप टी स्पून भिगोएं, वही इनफ है एक ग्लास पानी के लिए। उसके बाद आ जाता है एप्पल साइडर सेब का सिरका, जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, इसको अपनी लाइफ में लाजमी रखें, फैट कटर है, नीम गर्म पानी में एक चम्मच आप डेली इसको पिए, सुबह आप नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले ले लें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, इसका फ़ायदा ही फायदा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, फैट कटर भी है ये, तो आप इसको लाजमी लें। दोपहर के खाने से 1 घंटा पहले आप ले लें नीम गर्म पानी में। उसके बाद आता है पोर्शन कंट्रोल। सबसे ज़्यादा अहम काम पूरी डाइट में यही है कि आपने अपना पोर्शन कंट्रोल रखना है। डाइट 75% डिपेंड करती है, बाकी सब कुछ 25% डिपेंड करता है, ये याद रखिएगा। आप अपना पोर्शन कंट्रोल रख लें, जो मर्जी खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, लेकिन आप एक स्पेसिफिक पोर्शन में खाएं, उससे ज़्यादा मत खाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपके स्टमक को खुद ही आदत हो जाएगी। स्टार्ट में आपको टफ लगता है, भूख लगती है, बहुत कुछ होता है, मुझे खुद, मैं स्टार्ट में खाती थी, मुझे भूख लगती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ज़्यादा खाती थी पहले, स्टमक उस हिसाब से नहीं मिलता था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्टमक खुद ही इस चीज़ का आदी हो जाता है कि हम जिस पोर्शन में उसको सेट करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसी पोर्शन में फील होता है। तो फिर यही, आप अपना पोर्शन सबसे पहले कंट्रोल करें, तभी आपकी डाइट का फायदा है, अगर आप पोर्शन कंट्रोल करेंगे। अगर आपका पोर्शन कंट्रोल नहीं है डाइट में, तो फिर जो मर्जी कर लें कोई फ़ायदा नहीं है, वो फिर खा लो तो बस खा लो, आधी कैलोरीज भी बर्न नहीं होती। तो सबसे बेहतर यही है कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल रखें डाइट का, तब ही फायदा है। ओके जी, इसके बाद आ गया है दूध। अपनी लाइफ में दूध और अपने डेली बेसिस पे दूध लाजमी शामिल करें, एक ग्लास दूध डेली लें, ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खाने का दिल नहीं करता, तब आप जस्ट जो है बादाम खा लें, आलमंड खाएं, उसको भिगो दें, भिगो के खाएं, लेकिन आपने छिलका नहीं उतारना, छिलके के साथ खाना है। बादाम की जो कैल्शियम होती है वो छिलके में होती है, और ये हम लोग के छिलका उतार के फेंक देते हैं, ये गलत बात है, उसकी तासीर वैसे भी ठंडी हो जाती है। बादाम जो है आपने छिलके समेत खाने हैं, दूध का ग्लास लाजमी लें, और सर्दियों में आप ट्राई करें ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए भी। ओके जी, अब आ गया जौ का दलिया। जौ का दलिया आप बहुत खाया करें लाजमी, बहुत अच्छी चीज़ है, वेट बहुत जल्दी लूज़ करते हैं, फैट कंट्रोल करते हैं। जौ का दलिया मैं जो हूँ पानी के अंदर डाल के खाती हूँ, पानी में थोड़ा सा उसको बॉईल कर लेती हूँ, पक जाता है उसको फिर खा लेती हूँ, कोई शुगर नहीं, कोई साल्ट नहीं, कुछ भी नहीं डालती। आप दूध में भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप डाइट के लिए खा रहे हैं तो पानी में यूज़ करें। खाना मुश्किल होता है पर मेडिसिन समझ के खा लें, क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपका ही फायदा है। तो बेहतर है कि आप जौ का दलिया अपने डाइट अगर खा रहे हैं तो लाजमी इसको रखें, क्योंकि बहुत जल्दी वेट लूज़ करता है और बहुत जल्दी इसके साथ असर होता है। मैं खुद यूज़ कर रही हूँ जो का दलिया, मैं पंजाब का दलिया यूज़ कर रही हूँ। आप कोई और भी ब्रांड यूज़ करते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं।
ओके जी, अब आ गई है वॉक। वॉक अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें। दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट, रात के खाने के बाद 20 मिनट, सुबह नाश्ते के बाद 20 मिनट। अगर आप नहीं भी कर सकते तो ओवरऑल आपने पूरे दिन में 20 मिनट तो लाजमी करनी है, सोने से पहले भी कर लें। लेकिन कोशिश करें कि जब आप खाना खाते हैं तो हर खाने के बाद आप 20 मिनट वॉक कर लें। एक तो वो सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है ईजिली, दूसरा ये कि वो फैट नहीं बनने देता। तो वॉक जो है वैसे ही बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, आपके जिस्म के लिए, हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी की नीड है बेसिक वॉक, तो जो कि हमें करनी चाहिए, तो वॉक को लाजमी शामिल करें। ग्रीन टी लाजमी पिए आप दिन में, बेशक एक कप पिए लेकिन लाजमी पिए। जब खाना खाएं उसके बाद ग्रीन टी पिए, बहुत अच्छी है। इसे बहुत बहुत जल्द खाना डाइजेस्ट होता है और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो भी हमारी बर्न हो जाती हैं, जो हम फैट फूड के जरिए देते हैं। तो कोशिश करें आप ग्रीन टी लाजमी पिए। आप बेशक एक टाइम पिए, दोपहर के खाने के बाद पी लें, 4 से 5 बजे के बीच में टाइम रख लें। इसका लाजमी आप अपनी लाइफ के अंदर बस रूटीन बना लें कि आपने अपनी लाइफ में एक कप लाजमी ग्रीन टी का पीना है। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ओके जी, एक मैं ऐप शेयर कर रही हूँ, 30 डेज फिटनेस चैलेंज। बहुत ज़बरदस्त ऐप है ये, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसे आप यूज़ करें बहुत जल्द, इससे आपको अपने ऊपर फ़र्क महसूस होता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सिंपल एक्सरसाइज है, हार्ड नहीं लेना। सबसे पहले आप लोगों ने इजी इसको चूज़ करना है, और मैं आपको तरीका बता दूँ इस्तेमाल करने का, ताकि जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ बिल्कुल ना हो। एक्चुअली मैंने ये शादी से 15-20 दिन पहले स्टार्ट की ऐप यूज़ करना, और मैं सुबह उठती थी फजर की नमाज़ पर ही फ्रेश मैंने डायरेक्ट ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देनी। उस वक्त तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने एकदम, मेरी बीच में शादी यानी कि शादी हो गई, एकदम से मैंने छोड़ दी ये करना, और उसके बाद जो मेरे मसल्स का हाल हुआ है मैं बता नहीं सकती। उस वक्त मुझे पता लगा कि मेरी गलती बेसिक ये थी कि जब भी एक्सरसाइज करो सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म लाजमी करो, 15-20 मिनट वॉक करो, ताकि आपकी बॉडी, आपका खून बिल्कुल वार्म हो जाए। उसके बाद जो मर्जी एक्सरसाइज करें उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज यूज़ करेंगे तो फिर बस आपका भी मसल्स वाला इशू हो जाएगा स्टार्ट। तो पहले अपनी बॉडी को वार्म अप लाजमी करें जो भी एक्सरसाइज करें, और एकदम से छोड़नी भी नहीं है, जब भी करें आराम से छोड़नी है। अब मैंने शादी के फ़ौरन बाद छोड़ दी, इस वजह से भी मसला हुआ। आपने आराम से छोड़नी है, यानी कि एक दिन की, एक दिन नहीं की, फिर ऐसे ऐसे करके छोड़नी है अगर छोड़नी है तो। ओके फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की है, आप भी इस पर अमल करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको शो होती रहे। और दूसरी बात मैं बताती चलूँ कि मैं इस वक्त ये एक्सरसाइज नहीं कर रही, इस वक्त मेरे डाइट प्लान में ये एक्सरसाइज शामिल नहीं है, क्योंकि मुझे इस वक्त कुछ मस्कुलर इशू हुआ है जिसकी वजह से मैंने अभी इसको पेंडिंग कर दिया है। लेकिन जो लोग करना चाह रहे हैं मैं उनको ये बता रही हूँ कि उन्होंने किस तरह से करनी है, और ये मैंने ऐप खुद पर्सनल यूज़ की हुई है, इसलिए मैं इन्हें ये शेयर किया है सबके साथ, क्योंकि ये इस ऐप के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मुझे इस ऐप से बहुत मोहब्बत है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।